हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव प्लान्स में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दो नंबर्स को कैसे ऐड और सेपरेट करते हैं एंड्रॉयड में। सबसे पहले हम एक स्क्रीन बनाएंगे जिसमें हम दो एडिट टेक्स्ट लेंगे, जिसमें पहला एडिट टेक्स्ट रहेगा एंटर फर्स्ट नंबर, जिसमें हम पहला नंबर एंटर करेंगे। सेकेंड वाला एडिट टेक्स्ट में हम सेकेंड नंबर एंटर करेंगे, और तीसरा जो रहेगा हमारा ऐड का बटन होगा, और दूसरा बटन होगा सबट्रैक्ट का, यानी कि दो नंबर हम ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे और उसकी फंक्शनलिटी लिखेंगे। सो सबसे पहले ये जो दो आपको दिख रहे हैं कंपोनेंट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के, वो है एडिट टेक्स्ट के कंपोनेंट, यानी कि हम एडिट टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फ्रॉम डिज़ाइन लेआउट, और ऐड और सबट्रैक्ट के हम दो बटन लेंगे और उसमें हम फंक्शनलिटीज़ करेंगे। सो हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। हम जाएंगे सबसे पहले एक्टिविटी मेन फाइल में, और हम हमारे ऐप का जो है डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले मैं ये हेलो वर्ल्ड को जो है हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मैं आया टेक्स्ट वाले टैब में। अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट लेआउट है, मैं इसे हटा दूंगा और मैं लूँगा रिलेटिव लेआउट, बिकॉज रिलेटिव लेआउट में जो है सारे कंपोनेंट जो है हम उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और डिज़ाइन हमारी थोड़ी और अट्रैक्टिव दिखेगी। तो यहाँ पर मैंने रिलेटिव लेआउट ले लिया, और यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे जाऊँगा और बैकग्राउंड कलर एक अच्छा सा दे देता हूँ मैं। सो मैंने लिखा एंड्रॉयड बैकग्राउंड #FFF0 जो है येल्लो के लिए कलर कोड है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर येल्लो कलर आ चुका है। अगर आप चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ से देखो मीडियम लाइट ग्रीन रेड जो भी कलर आपको देना है वो दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली येल्लो ले लिया है। सो हमारा बैकग्राउंड जो है रेडी हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रिलेटिव लेआउट को है इस तरह से भी क्लोज कर सकते हैं, बट मैं अलग तरीके से करूँगा। इस तरह से क्लोज किया और मैंने जो है रिलेटिव लेआउट के टाइप को क्लोज कर दिया एंड में। उसके बाद मैं डिज़ाइनिंग पार्ट में जाऊँगा। सिंपली मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट वाले फील्ड में जाऊँगा, और सबसे पहले हमें जो दो कंपोनेंट चाहिए फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, तो मैं नंबर वाले टैब पर जाऊँगा और नंबर वाले कंपोनेंट को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तीन नंबर के कंपोनेंट है, नंबर डेसिमल, नंबर साइन और नंबर। हम बेसिकली नॉर्मल वाला नंबर ही लेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। यहाँ पर सबसे टॉप पे आ रहा है, बट हमें टॉप पे नहीं चाहिए, हमें जो है ये नंबर वाला कंपोनेंट एकदम सेंटर में चाहिए। तो सेंटर में लाने के लिए मैं टेक्स्ट वाले फील्ड में जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा सेंटर इन पेरेंट, और मैं इसे कर दूंगा थ्रू। तो देखते हैं यहाँ पर सेंटर में आ चुका है या नहीं। हाँ, यहाँ पर जो है सेंटर में हमारा जो है कंपोनेंट आ चुका है सेंटर में। तो मैं इसे हिंट दे देता हूँ, तो मैं इसे दूंगा हिंट एंटर फर्स्ट नंबर, ताकि यूज़र को पता चले कि बाबा इस एडिट टेक्स्ट में उसको डालना क्या है। सो एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पर मैंने डाल दिया। सो चलिए देखते हैं कैसा दिखता है। हाँ, ये बिल्कुल सही तरीके से दिख रहा है। सो यहाँ पर हमारा जो है हम फर्स्ट नंबर जो है हम यहाँ पर इनपुट करेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। सो ठीक उसी तरह से हमें सेकेंड नंबर के लिए भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे कॉपी करूँगा, या फिर चलो मैं डायरेक्टली इसे कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपली कॉपी कर लिया इस चीज़ को, और नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जो है एंटर सेकंड नंबर दे दूंगा मैं, बिकॉज सेकंड नंबर हम इस वाले टेक्स्ट में फिल करेंगे। यहाँ पर आईडी का एरर दे रहा है, हाँ, बिकॉज ये दोनों सेम आईडी है। सो पहले वाले आईडी को मैं पहले वाली को आईडी देता हूँ फर्स्ट नंबर फर्स्ट NO, और सेकेंड वाले को देता हूँ सेकेंड नंबर सेकेंड NO। और यहाँ पर जो है एडिट टेक्स्ट जो है ये वाला मैं बिलो फर्स्ट नंबर के नीचे, मतलब कि फर्स्ट नंबर के नीचे में ये एडिट टेक्स्ट ये, तो एंड लेआउट बिलो फर्स्ट नंबर ले लिया मैंने आईडी। तो चलिए अब देखते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, तो अब ये फ़िलहाल ठीक ठाक आ रहा है, मतलब सेकंड नंबर की फील्ड जो है फर्स्ट नंबर के नीचे आ रही है। सो ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, बट थोड़ी स्पेसिंग की कमी है। तो हम स्पेसिंग कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं। स्पेसिंग के लिए एक लाइन है, उस लाइन का नाम है, चलो मैं सबसे पहले सारे कंपोनेंट ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम स्पेसिंग डाल देंगे। यहाँ पर मैंने और एक एडिट टेक्स्ट ले लिया जो कि रहेगा रिजल्ट का, यानी कि जो भी हम एडिट टेक्स्ट वन में और टू में जो भी इनपुट डालेंगे उसका रिजल्ट जो है, उसका आउटपुट जो है हमें इस वाले फील्ड में देखने मिलेगा। सो यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड हिंट दे दिया रिजल्ट, और ये जो लेआउट है हमें सेकेंड नंबर के नीचे चाहिए, तो आईडी सेकेंड नंबर लेआउट बिलो आईडी सेकेंड नंबर। सो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ
कि कैसा दिख रहा है हमारा डिज़ाइन। हाँ ठीक ठाक दिख रहा है, बट अभी भी थोड़ा स्पेसिंग का इशू है। स्पेसिंग का इशू भी हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो स्पेसिंग का इशू सॉल्व करने के लिए हमें लिखना है मार्जिन टॉप, 20 dp। इससे होगा क्या कि थोड़ी स्पेसिंग आ जाएगी दो कंपोनेंट के बीच में। और इसी को मैं लाइन को कॉपी करता हूँ और ऊपर सेकंड नंबर के लिए भी सेम दे देता हूँ, मार्जिन टॉप, यानी कि मार्जिन टॉप से जो है 20 dp थोड़ी साइज़ जो है वो स्पेसिंग की बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी थोड़ा बहुत स्पेसिंग और अच्छे से लग रहा है तीनों कंपोनेंट, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और हमारा रिजल्ट का। अभी इस चीज़ के बाद हमें चाहिए अभी दो बटन्स। तो सबसे पहले हम कॉमन में जाएंगे, बटन है यहाँ पे, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं बटन को। ये बटन टॉप पर चला गया है, बट हमें बटन भी जो है रिजल्ट के नीचे चाहिए। सो मैं बटन की पहले आईडी देता हूँ ऐड, और इसके बाद बटन का नाम मैं देता हूँ एडिशन दे देते हैं बटन का नाम। और इसको जो है, इस बटन को भी मैं सेंटर इन पैरेंट जो है थ्रू करूँगा, यानी कि वो सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद मार्जिन टॉप दे देता हूँ ताकि वो साफ़ सुथरा रहे, उसकी स्पेसिंग अच्छी तरह से रहे। हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट ये जो है सेंटर में आ चुका है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको जो है रिजल्ट वाली फील्ड के नीचे लाना है। सो मैं थोड़ी इसको 30 dp करके देखता हूँ, नहीं फिर भी नहीं आया। चलो इसकी और थोड़ी सी साइज़ जो है, मार्जिन टॉप की साइज़ जो है बढ़ा के देखते हैं, 60 dp। नहीं अभी भी नहीं आया, शायद मुझे कुछ और एक लाइन लिखनी पड़ेगी इसके लिए, जो कि इससे जो है रिजल्ट वाले टैब के नीचे आ जाए। हाँ हमने एक लाइन जो है हम लिखना है यहाँ पर भूल गए। अभी जैसे कि हमने एडिट टेक्स्ट के लिए भी किया था कि बिलो फर्स्ट नंबर बिलो सेकंड नंबर दिया था, उसी तरह से मैं थोड़ा पहले 90 dp करके देखता हूँ, नहीं इससे भी कुछ हुआ नहीं है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अभी टेक्स्ट वाले फील्ड में जाऊँगा और मैं इसे पूरी तरह से हटा दे के 20 dp कर लेता हूँ। और इसके नीचे लिखूँगा एंड्रॉयड लेआउट बिलो, बिलो किसके नीचे चाहिए, रिजल्ट के नीचे। सो सिंपली लेआउट बिलो दे दिया। हाँ अभी जो है हमारा परफेक्टली आ चुका है एडिशन वाला बटन। सो मैं इसी चीज़ को कॉपी करूँगा, इसी कंपोनेंट को, और इसको नीचे जो है मैं पेस्ट कर दूँगा, बिकॉज दूसरा बटन भी हमें बनाना है। जो बटन रहेगा वो हमारा सप्रेक्शन का बटन रहेगा। सो यहाँ पर मैं सप्रेक्शन जो है दे देता हूँ, नाम ले दिया मैंने सप्रेक्शन और आईडी दे दिया मैंने सब। हाँ बस नहीं, एंड्रॉयड लेआउट बिलो ऐड, ऐड के नीचे मुझे चाहिए इसलिए मैंने ऐड के नीचे लिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्रेक्शन का भी बटन आ चुका है सक्सेसफुली। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों बटन हमने सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। तो अभी हम जाते हैं मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में हमें तीन चीज़ करनी बाकी है, जो कि हमारा डिफाइनिंग, कॉलिंग और एक्शन। सो सबसे पहले बटन को हम डिफाइन करेंगे, बटन ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है हमारी आईडी है, बटन का एरर आ जाता है छोटा सा, हम उसे सॉल्व करेंगे। इस बल्क को क्लिक करो और इम्पोर्ट क्लास कीजिए। कभी कभी इम्पोर्ट सक्सेसफुली नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये एरर आ जाता है। तो अभी हमें करना है कॉलिंग। शायद एडिट टेक्स्ट हमने डिफाइन नहीं किया, तो चलो हम एडिट टेक्स्ट को डिफाइन कर लेते हैं। एडिट टेक्स्ट कैसे डिफाइन करते हैं, एडिट टेक्स्ट और एडिट टेक्स्ट की जो दो आईडी है, दो आईडी क्या थी, हमने जो दो आईडी ली है, शायद हमने ली थी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फिर भी एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर गया, हाँ बराबर जो है पहली है फर्स्ट नंबर, दूसरी है सेकंड नंबर और थर्ड की है रिज़ल्ट। सो फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर और तीसरी जो है हमारे रिज़ल्ट की, उसका आईडी है रिज़ल्ट। तो यहाँ पर जो है हमने सक्सेसफुली बटन और एडिट टेक्स्ट को डिफाइन कर लिया है। सो डिफाइनिंग करने के बाद अब हम चलते हैं कॉलिंग की ओर। सो कॉलिंग हम इस लाइन के नीचे से करेंगे। सबसे पहले हम कॉलिंग करेंगे एडिट, सो एडिट टेक्स्ट को पहले हम कॉल करेंगे। फर्स्ट नंबर को सबसे पहले हम कॉल करते हैं, फर्स्ट नंबर इक्वल टू, अब हम फ्री ब्रैकेट में देंगे इक्वल टू कंपोनेंट का नाम, जो कि है हमारा एडिट टेक्स्ट। और कॉलिंग के लिए जो फंक्शन है वो है फाइंड व्यू बाय आईडी। तो फाइंड व्यू बाय आईडी में लिख देता हूँ और ब्रैकेट में आएगा r.id.FirstNumber। फर्स्ट नंबर जो है हमारा आईडी है। उसके बाद सेम मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लूँगा, बिकॉज सेकंड नंबर के लिए भी सेम होने वाला है, सिर्फ हमारी जो आईडी है वो चेंज होने वाली है। सो फिर मैं सेकंड नंबर यहाँ पर दे देता हूँ, r.id.SecondNumber यहाँ पर मैंने दे दिया।
तो फिर दोनों एडिट टेक्स्ट को जो मैंने डिफाइन अच्छे से कर लिया है, और एक जो रिज़ल्ट के लिए भी है, सो सिंपली यहाँ पर मैं रिज़ल्ट कॉल करूँगा और यहाँ पर भी मैं रिज़ल्ट टाइप कर दूँगा। सो यहाँ पर हमने तीनों जो एडिट टेक्स सक्सेसफुली डिफाइन कर लिया है। अब हमें करना है बटन के लिए, सो ऐड इक्वल टू कंपोनेंट का नाम जो है बटन, कॉलिंग का फंक्शन फाइंड व्यू बाय आईडी ब्रैकेट में आर डॉट आईडी डॉट ऐड, ऐड जो है हमारा आईडी है। सेम हम सपरेक बटन के लिए लेंगे, सो मैं सिंपली से कॉपी कर दूंगा, नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा, सिर्फ आईडी चेंज करूंगा सपरेक, और यहाँ पर भी मैं सपरेक। सो हमारा जो है डिफाइनिंग और कॉलिंग सारे कंपोनेंट्स के हो चुके हैं। अभी एक्शन देने की बारी है, एक्शन हम ऐड और सपरेक बटन पे दे सकते हैं। सबसे पहले ऐड को करते हैं, ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर ब्रैकेट में न्यू स्पेस व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, जो फर्स्ट ऑप्शन आता है उसी को हमें सिलेक्ट करना है। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ, और ये वाले पार्ट में हम लिखेंगे एक्शन वाला पार्ट। सो एक्शन हम कैसे लेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक इंटीजर लेंगे और उस इंटीजर को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, इंट ए इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट। मैं इस लाइन का मतलब समझा दूंगा आपको, इंटीजर डॉट पार्स इंट और ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर डॉट गेट टेक्स्ट, फर्स्ट नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। बेसिकली ये लाइन क्या करती है, जो भी हमारा इनपुट हम देंगे उसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, और जो भी आउटपुट रहेगा वो ए वेरिएबल में स्टोर होता है। सेम हम बी के लिए भी करेंगे, तो मैं सिंपली से कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर अभी सिर्फ आएगा बी, इंट बी, और यहाँ पर फर्स्ट नंबर के बदले आएगा सेकंड नंबर, जो मतलब जो भी हम इनपुट देंगे फर्स्ट और सेकंड नंबर में वो ए और बी में सेव होगा, बस इतना समझ लीजिए अभी के लिए। और इंट सी में हम इसका आउटपुट स्टोर करेंगे, तो इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो भी हमने ए और बी में पुट किया है वो सी में हमारा रिजल्ट आएगा। मैम एक्टिविटी मेन में जाते, देखो ये ए और बी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो भी उसका एडिशन रहेगा वो हमें रिजल्ट कॉलम में दिखेगा, तो हमने रिजल्ट कॉलम के लिए सी डिक्लेयर किया है। वापस हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे अभी सिंपली, उसके बाद जो है मैं रिज़ल्ट जो है रिज़ल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, जो हमारा रिज़ल्ट का फील्ड है रिज़ल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, जब भी हम दोनों को आउटपुट मिल जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, तभी हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले करना है। सो रिज़ल्ट डॉट सेट टेक्स्ट इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, और जो भी सी में वैल्यू आई है, जो एडिशन करने के बाद सी में वैल्यू आई है वो उसे हम प्रिंट कर देंगे। सिंपली सी, जो भी सी में वैल्यू आएगी वो इंटीजर फॉर्मेट में आएगी, वो उस इंटीजर फॉर्मेट को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और यहाँ पर हमने डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पर जो आप रिजल्ट फील्ड देख सकते हैं वहाँ पर जो है हमारी आउटपुट फाइनल आउटपुट वैल्यू प्रिंट होगी। सो सेम चीज़ रहेगी सबट्रैक्ट के लिए, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को पूरा कॉपी कर लूँगा। तो चलिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं, मैंने इसे कॉपी कर लिया और नीचे मैं इसी के पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर सिर्फ आईडी चेंज होगी, ऐड के बदले आएगा सबट्रैक्ट, और यहाँ पर प्लस के बदले आएगा सिर्फ माइनस, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर सेम रहने वाली है, ठीक है। सो चलिए मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ, बिकॉज़ मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट कर लिया है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है या फिर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बिल्ड एपीके भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिंपली बिल्ड एपीके पे क्लिक करना है, यहाँ पर थोड़ा समय लेगा एपीके बिल्ड करने में। थोड़ा समय लेने के बाद जो है हमारा एपीके बिल्ड हो चुका है, आपको सिंपली लोकेट बटन पे क्लिक करना है, और ये जो एपीके ए ऐप डिबग एपीके फाइल है वो आपको मोबाइल में लेके सिर्फ रन करना है, और रन होने के बाद जो है आपका ऐप सक्सेसफुली जो है आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाने के बाद आप वैल्यूज़ डाल सकते हैं और आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसे ज़रूर ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
डिसलाइक कीजिए अगर आपका वीडियो पसंद नहीं आ रहा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए।